हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, माय वन टेक्नोलॉजी कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को माय वन ड्राइंग रीडिंग्स का नॉलेज होना। एंड ये जो है एपिसोड 8.3, आप लोगों की ये वीडियो है। ये ड्राइंग रीडिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस टाइप से लेआउट्स होते हैं ड्राइंग के। सेम चीज मैं आप लोगों को ड्राइंग जो एक्चुअल ड्राइंग होती है उसके अकॉर्डिंग रीड कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो ये जो 8.4 वीडियो है वो सेपरेट ड्राइंग रीडिंग्स को लेकर है। एक कंप्लीट मैंने यूनिट को लेके डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ये जो पार्ट है इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑटोकैड ड्राइंग में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझना है ये जो पार्ट है ये 4 पार्ट में ड्राइंग्स है। ये आप लोग जो देखेंगे ये जो है ड्राइंग आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग है। फर्स्ट जो है आर्किटेक्ट ड्राइंग है। सेकंड हम लोग रीड करेंगे आरसीसी ड्राइंग। थर्ड हम लोग रीड करेंगे शेल प्लान ड्राइंग। एंड फोर्थ हम लोग रीड करेंगे कंप्लीट सेट, जो कंप्लीट डिटेल्स गिवन होती है हर एक ड्राइंग्स की, जिसमें 10 लेआउट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्ट ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग में क्या होगा वो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो आप लोग। आर्किटेक्ट ड्राइंग में टिपिकल जो फ्लोर है ये आप लोग देखेंगे, ये जो टिपिकल फ्लोर है ये कंप्लीट डिटेलिंग गिवन है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक फ्लैट है, तो ये एक फ्लैट को पूरा डिवाइड किया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये जो पार्ट है ये लॉबी एरिया है, लिफ्ट स्टेयरकेस ये सब गिवन है। एंड सेकेंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये सेकेंड फ्लैट है। सो आप लोग देखेंगे ये जो कंप्लीट लेआउट है टिपिकल फ्लोर है। तो आप लोगों को सबसे पहले आर्किटेक्ट ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आर्किटेक्ट ड्राइंग में किस टाइप से डिवाइड किया हुआ है, कौन से एरिया में स्टेयरकेस है, कौन से एरिया में डोर है, कौन सा एलिवेशन कहाँ पर है। आप लोगों को एवरीथिंग यू विल गेट इन आर्किटेक्ट ड्राइंग। तो आर्किटेक्ट ड्राइंग में मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को ड्राइंग्स कैसे रीड करते हैं अगर इसका नॉलेज नहीं है, आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग एंड स्ट्रक्चरल जनरल डिटेल, तो मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9819528879 में। एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएगी। आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत कम प्राइजेस में आप लोगों को ये कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग का नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को कोर्स में चेक कर लेना, आप लोगों को आइडियाज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखेंगे आप लोग ये जो है स्टेयरकेस है, ये अप स्टेयरकेस जा रही है, मिड लैंडिंग है, डाउन एंड नेक्स्ट फ्लोर। ये देखेंगे यहाँ पे फायर लिफ्ट है, फायर लिफ्ट में आप लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फायर लिफ्ट के साथ में ये जो एरिया है ये एरिया में पैसेंजर लिफ्ट है, सेकंड पैसेंजर लिफ्ट, फर्स्ट पैसेंजर लिफ्ट। एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो है जो वॉल्स गिवन है, ये देखेंगे आप लोग वॉल है, तो ये कितनी डायमेंशन की वॉल है, क्या है, ये भी डिटेल्स गिवन रहता है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो गिवन है, यहाँ पे ये ओपनिंग है, यहाँ पे अपस्टैंड आएगा, यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे अपस्टैंड आएगा, ये जो है छज्जा है, ये आप लोग देखेंगे 2450 लेंथ में आउटसाइड जा रहा है एंड विड्थ कितनी है 4875 मीटर की। एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये शेयर वॉल्स है, ये देखेंगे किचन एरिया है, ये लिविंग, ये आप लोग देखेंगे कॉरिडोर है, बेडरूम 4, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जो भी आर्किटेक्ट का ड्रॉइंग है ये आप लोगों को कंप्लीट डिटेल होगी। यहाँ पे पाउडर टॉयलेट कौन सा है, क्या है, सब डिटेल में आप लोगों को अवेलेबल होगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को जब हम लोग माय वन की ड्राइंग रीड करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको आरसीसी ड्राइंग में कंप्लीट टिपिकल फ्लोर की डिटेलिंग होती है। आर्किटेक्ट ड्राइंग के बेसिस पे हम लोग आरसीसी की डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट के बाद में आरसीसी की ड्राइंग्स है, सेम प्लान है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कॉलम्स है, यहाँ पे ये बीम्स है, ये स्लैब्स है, तो ये सब स्लैब बीम की डिटेल्स गिवन होगी यहाँ पे।
एंड यहाँ पे देखेंगे ये प्लम्बिंग शाफ्ट है, FHC है, स्टेयरकेस है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग में जो डिटेल्स दी थी ये RCC ड्राइंग में भी होगा। अब ये जो बीम है तो यहाँ पे आप लोगों को RCC ड्राइंग में क्या डिटेल्स होगी वो आप लोग समझ लो। यहाँ पे सबसे मेन RCC ड्राइंग में बीम की साइजेस अवेलेबल होगी। फर्स्ट बीम साइज आप लोगों को मिलेगा, सेकेंड आप लोगों को क्या होगा स्लैब साइजेस अवेलेबल हो गए मीन्स साइज स्लैब डेप्थ, एंड आप लोगों को थर्ड जो रिक्वायर्ड होगा स्टील की पूरी डिटेल्स गिवेन होगी। ये डिटेल्स आप लोगों को RCC ड्राइंग में अवेलेबल होगी। तो आप लोगों को RCC ड्राइंग डिटेल में स्टडी करना है, समझना है किस टाइप से स्टील की डिटेल्स गिवेन है। इसके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज है, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेल प्लान के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे शेल प्लान, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग लीजेंड्स देख लेते हैं क्या क्या गिवेंस हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डिटेलिंग गिवेन है, ये डिटेलिंग में आप लोग देखेंगे नॉन स्ट्रक्चरल वॉल टाइप से गिवेन है। इंडिकेट संक एंड थिकनेस ऑफ स्लैब, यहाँ पे 200 mm थिक स्लैब है, -75 मीन 75 mm संक है। कटआउट्स इंडिकेट करते हैं इस टाइप से, छज्जा ड्रॉप जो है ये डिटेल्स है, 65 mm टॉयलेट जो है संक है। अब हम लोग ये 65 mm टॉयलेट संक है ये नोटेशन है आप लोग देखेंगे, तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ ड्राइंग में किस टाइप से आप लोग रीड करेंगे। ये नोटेशन है टॉयलेट में, तो यहाँ पे आप लोग जब टॉयलेट में जाएंगे तो ये देखेंगे 65 mm संक एंड ये नोटेशन है मीन्स, एंड ये देखेंगे लाइन लाइन से ये जो है छज्जा से, तो यहाँ पे देखेंगे ये लाइन लाइन इंडिकेट छज्जा एंड ये 65 mm टॉयलेट्स। तो इस टाइप से कंप्लीट डिटेल्स है। एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो गिवेन है यहाँ पे क्या गिवेन है 650B एंड बीम डेप्थ प्लस अपस्टैंड मीन्स 1200 US मीन्स अपस्टैंड है। तो इस टाइप से सब डिटेल्स होगी, बीम डेप्थ, बीम की जो डेप्थ है 650H, छज्जा ड्रिप मोल्ड लाइन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रिप मोल्ड लाइन, स्लैब आप लोगों की स्लैब की थिकनेस फोल्ड स्लैब है वो गिवेन होगा, एंड यहाँ पे स्लैब 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 एंड ये डेक बीम स्लैब। ये नोटेशंस के बिहाफ पे आप लोगों को ये सब रीड करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो वेंडर होते हैं वो मे बी डिफरेंट लीजेंड यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले उसके बेसिस पे ये ड्राइंग को रीड करना है। यहाँ पे जनरल डिटेल्स भी गिवेन होती है शेल प्लान में, लाइक यहाँ पे आप लोग देखेंगे एल्यूमिनियम सिस्टम नोटिस, फ्लोर टू फ्लोर हाइट आप लोगों को 3050 mm है मीन्स 3.05 meter, स्लैब की थिकनेस है 125 mm, 150 mm, 175 mm, एल्यूमिनियम पैनल साइजेस है, स्लैब सॉफिट लेंथ्स है, ये सब गिवेन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ड्रिप मोल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो डिटेलिंग है यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगा प्रपोज ड्रिप मोल्ड 35 25 25 डिटेल। ये देखेंगे इस टाइप से जो ये बीम ये स्लैब हो गया ये बीम हो गया एंड यहाँ से ये जो छज्जा होगा यहाँ पे ये ड्रिप मोल्ड होगा, ये आप लोगों को प्रोवाइड करना है। इस टाइप से डिटेल्स होती है, ये देखेंगे ये डिटेल्स हैं, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक सब डिटेल्स होगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं अगर ये वाले यूनिट की बात करूँ यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये स्लैब की डिटेल्स है 150 mm थिक, स्लैब का टॉप लेवल मेंटेन है, -250 मीन्स 250 mm डाउन है, संक है यहाँ पे देखेंगे 350 mm संक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बाथरूम्स में अगर आप लोगों को बोलूं 150 थिक मीन्स -65 मीन्स 65 mm थिक है। इस टाइप से आप लोगों को शेल प्लान में डिटेल में ड्राइंग्स गिवेन होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिटेलिंग्स गिवेन है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ ये शेयर वॉल है, ये नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स है, कंप्लीट डिटेल्स है, बीम अपस्टैंड 100 mm का अपस्टैंड है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एलिवेशन में तो बीम है एंड 100 mm जो है अपस्टैंड है, ये छज्जा है,
ये कंप्लीट डिटेल आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, शेल प्लान में रीड करना है, डिटेल में रीड करना है, एंड ये बेसिस पे आप लोगों का कंप्लीट शेल प्लान रेडी होगा। एंड ये शेल प्लान रेडी होने के बाद में आप लोग देखेंगे ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एफ ई डी, ये सेक्शन आप लोगों को रीड करना है। तो मैं आप लोगों को अगर जनरल बोलूं, हम लोग रीड करते हैं सेक्शन ए, तो ये जो है यहाँ पे माय वन की सेक्शन ड्राइंग्स होती है, यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए ये देखेंगे, सेक्शन यहाँ पे कट किया हुआ है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, हम लोग ये सेक्शन गिवेन है, तो हम लोग ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग अगर खड़े हैं, यहाँ पे अगर आप लोग खड़े हैं सपोज कीजिए, एंड आप लोग ये व्यू में देख रहे हैं, आप लोगों को ये व्यू भी अंडरस्टैंड होगी, ये सेक्शन जिस डायरेक्शन में कट करते हैं वहां से हम लोगों को देखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो देखेंगे ये छज्जा है, यहाँ पे ये छज्जा है, एंड ये साइड में भी छज्जा है, एंड ये बीच में जो है लेंथ गिवेन है। तो इसको मैं जूम करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 200, ये जो एरिया था 250, यहाँ पे संक है, ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल से 250 संक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये 250 संक गिवेन था, देखेंगे ये 250 संक है, एंड यहाँ पे ये जो एंडिंग वाला है ये कितना है, 675 संक है। तो यहाँ पे अब जब जब सेक्शन देखेंगे तो ये जो एरिया है 675 संक है। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस टाइप से आप लोगों को ये ड्राइंग को रीड करना है। ये टाइप में संक गिवेन है 250, ये डायरेक्शन में 675 छज्जा गिवेन है, एंड ये जो है ये होती है अपस्टैंड यहाँ पे, एंड ये जो एरिया होगा यहाँ पे ये पूरी विंडो बनेगी। तो ये अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग पहले ये अंडरस्टैंड कर लो डिटेल में, ये जो है ये आप लोगों का है अपस्टैंड, उसको बोलते हैं अपस्टैंड, ये अपस्टैंड होता है। एंड यहाँ पे आप लोगों का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है ये आप लोगों की ये क्या है, ओपनिंग है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आप लोगों की, ओपनिंग है। ये आप लोगों को रीड करना है, प्रॉपर रीड करना है इस टाइप से। एंड ये जो है ये छज्जा है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आप लोगों का छज्जा है। अगर इसकी बात करें तो हम लोग ये छज्जा, नेक्स्ट फ्लोर का मीन्स अबव फ्लोर का ये छज्जा है। इस टाइप से आप लोगों को डिटेल्स हैं। एंड यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों का स्लैब लेवल है। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है किस टाइप से डिटेल्स गिवेन होती है, बीम्स की क्या साइजेस होती है। ये वाला आप लोग एरिया अगर देखेंगे, ये जो एरिया है ये बीम है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बीम है, एंड ये नॉन स्ट्रक्चरल वॉल ड्रॉप पर्दी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ड्रॉप पर्दी हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, जब 100% माय वन होता है तो एवरीथिंग इज इन RCC। तो आप लोगों को इस टाइप से कंप्लीट रीड करना है, डायमेंशन आप लोग देख सकते हैं, लेंथ हाइट विड्थ सब चीज गिवेन है। 100 mm आप लोगों का कॉर्नर होगा, 125 mm इनसाइड होगा, बाहर आप लोगों का 600 mm छज्जा निकल रहा है, तो ये आप लोगों का प्रोजेक्शन 600 mm है। तो ये सब डिटेलिंग आप लोगों को शेल प्लान में अवेलेबल होगी। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, कंप्लीट सेक्शंस आप लोगों को रीड करने हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जो स्लैब है, यहाँ पे ये जो दो बीम्स है, अगर ये हम लोगों ने अभी देखा ये जो दो बीम है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये एक बीम है यहाँ पे, एंड ये जो है संक गिवेन है। तो यहाँ पे हम लोग आप जब आ जाएंगे तो देखेंगे ये एक बीम है, ये यहाँ पे देखेंगे 65 mm संक है, मीन्स 65 mm संक आप लोगों को ये ड्राइंग में अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे देखेंगे स्लैब लेवल है, बीम बीम एंड यहाँ पे स्लैब एंड ये अगेन संक। तो ये जो डायरेक्शन में आप लोग अगेन देखेंगे 65 mm संक, देन स्लैब स्लैब एंड ये संक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये देखेंगे टिपिकल फ्लोर 3050 की हाइट है। इस टाइप से आप लोगों को जो है
सेक्शंस रीड करना है, ड्राइंग डिटेल में रीड करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को हर एक सेक्शन, मैंने अभी जस्ट बात किया था सेक्शन ए के बारे में, आप लोगों को सेक्शन बी सी डी ई एफ जी, ये टिपिकल फ्लोर प्लान है, उसके हर एक कॉर्नर को आप लोगों को रीड करना है, किस टाइप से डिटेलिंग्स है शेल प्लान में। ये जो शेल प्लान प्रिपेयर होता है ये विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट ड्राइंग ही होता है। आर्किटेक्ट ड्राइंग एंड आरसीसी ड्राइंग जो प्रोवाइड करते हैं, ये पूरी एनालिसिस के बाद में ये जो है हम लोग शेल प्लान प्रिपेयर करते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शेल प्लान रीड करने के लिए, शेल प्लान प्रिपेयर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ऑलरेडी डिटेल में मैंने 8.1 जो एपिसोड है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस टाइप से ये शेल प्लान होता है, ये शेल प्लान में ये जनरल डिटेल्स होती है। अगर मैं बात करूं जो है ये जो सेक्शन डी है, दिस इज सेक्शन डी, तो ये सेक्शन डी आप लोग देखेंगे, ये जो सेक्शन डी है यहाँ पे, सो इन दिस सेक्शन डी एक्सप्लेन्ड अबाउट स्टेयरकेस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एक स्टेयरकेस है, सेकेंड स्टेयरकेस है, तो ये भी डिटेल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेयरकेस है, यहाँ पे फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से ये फ्लोर लेवल की लैंडिंग है, स्टेप्स है, ये जो है स्टेप है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेस्ट स्लैब की थिकनेस 150 mm है, राइजर भी गिवेन है 152 mm, तो आप लोगों को ट्रेड मिल गया, राइजर मिल गया। यहाँ पे आप लोगों को जो है वेस्ट स्लैब की थिकनेस 150 mm है, ये देखेंगे आप लोग मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग के बाद में ये देखेंगे नॉन स्ट्रक्चरल वॉल है, ये बीम है, ये बीम है, एंड यहाँ से सेकेंड फ्लाइट स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट फ्लाइट है, ये सेकेंड फ्लाइट है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेम गिवेन है डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग आ गए फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल के बाद में ये मिड लैंडिंग, मिड लैंडिंग में देन अगेन यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो फ्लोर लेवल पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे इस टाइप से डिटेल्स है, यू कैन सी छज्जाज है, ड्रिप मोल्ड्स है एंड छज्जेस की डिटेल्स है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं माय वन शेल प्लान। इस टाइप से आप लोगों को शेल प्लान्स गिवेन हो गए एंड ये शेल प्लान की ड्राइंग आप लोगों को रीड करना है। मैं आप लोगों को डिटेल में ये कोर्स में डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ड्राइंग्स किस टाइप से गिवेन होती है, प्रैक्टिकल ड्राइंग्स है ये सब, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को ये ड्राइंग्स में कोर्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9819528879 कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो आप लोगों को ये सब कंप्लीट डिटेल्स अंडरस्टैंड करना है। ये ड्राइंग्स रीड करने के बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ किस टाइप से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है क्या डिफरेंट लेआउट्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट सेक्शंस देख लेते हैं। सो गाइज आप लोगों ने अब तक फर्स्ट देखा आर्किटेक्ट ड्राइंग क्या होती है, सेकेंड देखा आप लोगों ने आरसीसी ड्राइंग्स क्या होती है, थर्ड आप लोगों ने देखा एक कंप्लीट शेल प्लान क्या होता है। शेल प्लान के बाद में हम लोगों के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं लाइक वॉल पैनल्स, किकर, बीम पैनल्स, देन एक्सटर्नल साइड्स, ये सब की डिटेलिंग्स होती है सेपरेट सेपरेट। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कंप्लीट पैनल्स की सब डिटेलिंग्स गिवेन है एंड ये आप लोगों को प्लान में गिवेन है। सबसे पहले वन बाय वन मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ क्या क्या माय वन क्या डिटेल्स हैं। तो ये आप लोग देखेंगे ये टिपिकल फ्लोर है, माय वन के टिपिकल फ्लोर की ड्राइंग है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो सेक्शन वन वन देखा था, तो यहाँ पे देखेंगे 250 mm संख छज्जा था, स्लैब स्लैब, यहाँ पे ये जो 65 mm संख एंड यहाँ पे 675 mm छज्जा निकला हुआ था। तो ये आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स देखना है एंड ये स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल वॉल की जो पैनल्स हम लोगों को लगने वाले हैं ये सब पैनल्स यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब डिटेलिंग है। तो ये डिटेल्स आप लोगों को कितने लेआउट्स हो गए ये देख लो। शेयर वॉल लेआउट, सबसे पहले आप लोगों को शेयर वॉल की डिटेल्स होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कटआउट्स है, कटआउट्स है, कटआउट्स है एंड यहाँ पे वॉल पैनल्स है, ये सब डिटेल्स है 350 450 350 325 325, यहाँ पे विड्थ में
आप लोगों को WEP लगने वाला है। इंडिविजुअल आप लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट IC इंटरनल कॉर्नर, ये जो इंटरनल कॉर्नर्स यहाँ पे लगने वाले हैं ये सब डिटेल्स होगी। IC भी यहाँ पे देखेंगे, ये जो है इंटरनल कॉर्नर्स की आप लोगों को डिटेल्स गिवन है। नेक्स्ट वॉल पैनल्स, ये जो था शेयर वॉल के बारे में था, यहाँ पे कंप्लीट नॉन स्ट्रक्चरल वॉल के साथ में है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 600 600 600, ये पूरी डिटेल्स है वॉल पैनल्स की। मैं आप लोगों को एलिवेशन भी बताऊंगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं कितने टाइप्स के जो है ड्राइंग्स होती है। यहाँ पे SL सॉफिट लेंथ जो होती है, आप लोगों ने वॉल पैनल कर लिया एंड जब SL आता है तो SL के टाइम पे ये सब ड्राइंग्स आप लोगों को गिवेन होगी। कॉर्नर में SL कितने का लगने वाला है, 450 + 450 मीन्स 450 by 450, 250 A2। तो ये आप लोगों को कंप्लीट MyOne के शेल प्लान में डिटेल्स गिवेन होगी। डेक लेआउट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये DP, 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 यहाँ पे एंड बीम, मिड बीम, मिड बीम एंड एंड बीम, ये इस टाइप से आप लोगों को डेक पैनल्स गिवेन होगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेक पैनल्स के नोटेशंस हैं। ये जो है ये A2 यूनिट है, A यूनिट का सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे D600 1200 A2, A2 का है, A3 है, A4, यहाँ पे देखेंगे A4 A8, इस टाइप से डेक पैनल्स की डिटेलिंग्स है। एंड बीम DP प्रॉप्स, ये आप लोग देख सकते हैं गिवेंस होती है। ऑलरेडी कैसे रीड करते हैं, किस टाइप से प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस टाइप से हम लोग रीड करते हैं एंड कंप्लीट डिटेल्स होती है डेक पैनल की। बीम बॉटम लेआउट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बीम के जो बॉटम लेआउट्स है वो गिवेन है, BB, A1, ये A2 है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सब यूनिट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो यहाँ पे A4 की डिटेलिंग्स है, यहाँ पे A3 की डिटेलिंग्स है, ये A2 की डिटेलिंग्स है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सब डिटेल्स है, यहाँ पे A1 की डिटेलिंग्स है, ये BB 200 by 900, आप लोगों को ये बीम की सब साइड्स की डिटेल्स गिवेन है। नेक्स्ट किकर लेआउट, यहाँ पे देखेंगे आप लोग किकर लेआउट्स गिवेन है, A2 सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट में K 925 by 150 एंड A2 किकर की डिटेल्स गिवेन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किकर्स की डिटेल्स देखने के बाद में अपस्टैंड लेआउट। हम लोगों ने यहाँ पे जब सेक्शन देखा था तो ये जो एरिया है यहाँ पे अपस्टैंड से यहाँ पे, तो ये अपस्टैंड की डिटेल्स है C 300 by 150 A18। A18 मीन्स यहाँ पे ये 18 नोटेशंस है, 18 क्यों लिखा हुआ है वो आप लोग समझ लो, ये 18 मीन्स 18th यूनिट है, जो सब यूनिट डिवाइड किया हुआ है A यूनिट का 18th पार्ट में ये डिटेल्स है अपस्टैंड की। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट छज्जा टॉप एंड संक लेआउट, इसमें जितने भी संक है ड्रॉप फ्रेम्स होते हैं इसकी डिटेल्स होती है। लेग किस टाइप से गिवेन है, किस टाइप से LS प्रोवाइड करना है, यहाँ पे ये देखेंगे ये जो डिटेल्स है आप लोगों को गिवेन है LSC, ये A4 की डिटेल्स है। यहाँ पे संक प्रोवाइड करना है तो किस टाइप से डिटेल्स है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कंप्लीट डिटेल है। तो ऑलरेडी मैंने संक का भी आप लोगों को डिटेल्स बताया हुआ है किस टाइप से संक प्रोवाइड करते हैं, तो ये संक की भी डिटेल्स गिवेन होती है छज्जा एंड संक। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कितने टाइप्स के लेआउट्स हम लोगों को देखने हैं। तो क्विक रिव्यू करते हैं, शेयर वॉल लेआउट, IC इंटरनल कॉर्नर लेआउट 2, वॉल लेआउट 3, SL 4, डेक 5, बीम बॉटम 6, किकर 7, अपस्टैंड 8, छज्जा 9। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 लेआउट्स है आप लोगों को जो रीड करना है। अगेन यहाँ पे एड ऑन करना है आप लोगों को सोल्जर्स, वैलर्स, आप लोगों को ये ड्राइंग्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, तो ये सब ड्राइंग्स आप लोगों को स्टडी करना है। मीन्स ऑलमोस्ट 10 to 12 लेआउट्स है जिससे आप लोगों का मॉकअप होगा ड्राइंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं ये सेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है A2,
सेकेंड यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे आप लोग इस टाइप से खड़े हैं। तो ए टू, मैंने आप लोगों को एरो बताया था किस टाइप से रीड करते हैं, 1 2 3 4, तो आप लोगों को एरो समझना है। तो ए वन यहां पे देखते हैं, ए टू वन देखते हैं, ए टू वन, क्योंकि यहां पे देखेंगे ए वन ए टू ए फोर गिवेन है, तो हम लोग ए टू का फर्स्ट चेक करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे सेक्शंस में आएंगे तो देखेंगे आप लोग ए वन की डिटेल्स है, ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर। हम लोग ए टू के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ ए टू वन के बारे में हम लोग डिटेलिंग स्टडी करेंगे, ए टू वन के बारे में बात करेंगे, ए टू वन। तो अभी हम लोग ए टू वन में पहले देख लेते हैं और डिटेल में क्या है ए टू वन। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में कॉलम की वॉल्स है 525 एंड 475 राइट साइड में यहाँ पे एंड कुछ डिटेल्स है। 525 आपको याद रखना है, 475 याद रखना है, 525 एंड 475 आप लोगों को मिल गया। ये चेक कीजिए, ये 525 ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन, मींस ये जो वॉल पैनल से यहाँ पे शेयर वॉल आने वाली थी तो इसकी डिटेल्स है डब्ल्यू आर बी ए टू ए टू डब्ल्यू आर बी। यहाँ पे जो वॉल पैनल्स थी इसकी डिटेल्स आ गई। नेक्स्ट आई सी बी इंटरनल कॉर्नर्स जो लगने वाले हैं इसकी डिटेल्स आ गई, एस एक्स आ गया एंड यहाँ पे बीम की जो साइड्स लगने वाली है इसकी डिटेल्स है। बीम की जो साइड लगेगी 525 600 600 600 600 600 375 475, इस टाइप से आप लोगों को डिटेल रीड करना है। एंड टॉप में आप लोगों को एसएल लगेगा एंड एसएल के बाद में डेक पैनल स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसएल की डिटेल्स है, देन टॉप में एलएस प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3050 में आप लोगों का ये कंप्लीट, ये जो है ये आप लोगों की आरसीसी होने वाला है एंड यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट शटरिंग प्रोवाइड करना है। ये ए टू वन हो गया, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई। इस टाइप से आप लोगों को ए वन एक्सटर्नल, ए वन फोर एक्सटर्नल, ए वन थ्री एक्सटर्नल, ए टू टू, आप लोगों को इस टाइप से देखेंगे ए टू की आप लोगों को कितने एलिवेशंस है ये आप लोग देखिए, ए टू के अगेन एलिवेशंस है। तो आप लोग देखेंगे ये जो तीन एलिवेशंस जो गिवेन है ये ओनली ए टू यूनिट्स के, ये जो तीन एलिवेशंस है ये ओनली हम लोगों का किसका है, ए टू जो यूनिट है ए टू यूनिट्स के हैं। इसमें आप लोगों को वॉल एलिवेशंस एंड एक्सटर्नल एलिवेशन एंड कॉर्नर एलिवेशंस आप लोगों को पता चलेगा। तो होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग रीड करते हैं कंप्लीट माइवन की ड्राइंग्स। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट जो है माइवन की ड्राइंग्स रीड करना है किस टाइप से। मैंने आप लोगों को कंप्लीट ड्राइंग का सेट आप लोगों को बताया है, सीक्वेंस में बताया है, कंप्लीट डिटेलिंग है। ये ड्राइंग्स को आप जितना डीपली स्टडी करेंगे उतना आप लोगों का नॉलेज इन्हेंस होगा। तो ये माइवन टेक्नोलॉजी के कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया हुआ है किस टाइप से आप लोगों को रीड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं P1A4 P1A5 P1 2B, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सब सेक्शन ड्राइंग्स आप लोगों को ये वॉल पैनल्स की डिटेलिंग के लिए रिक्वायर्ड हो गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना माइवन है, वास्ट है, कितनी ड्राइंग्स आप लोगों को मॉकअप में रिक्वायर्ड होगी। बट ये जो ड्राइंग्स हैं आप लोगों को ओनली वन टाइम रीड करना है। कैसे, मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बता देता हूं। जब हम लोग मॉकअप करते हैं, मॉकअप जब करते हैं, मॉकअप के टाइम पे आप लोगों को ये ड्राइंग्स रीड करना है। जब आप लोगों का मॉकअप हो जाएगा, आप लोगों का मॉकअप होने के बाद में आप लोगों का टू फ्लोर्स तक के ये जो फ्लोर टीम होती है आप लोगों की वेंडर की, माइवन जो भी सप्लाई करेंगे इसकी स्किल्ड जो होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं, स्किल्ड सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपको सुपरवाइज करेंगे दो फ्लोर के मॉकअप के लिए। एंड ये दो फ्लोर में आप लोगों को क्या करना है,
पैनल्स की सिक्वेंसिंग करना है। आप लोगों को सिक्वेंसिंग ऑफ पैनल्स, ये आप लोगों को करना है पैनल की सिक्वेंसिंग। तो आप लोगों का जब दो फ्लोर्स हो जाएंगे ये ड्राइंग्स, तो आप लोगों को ये ड्राइंग रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप लोगों के पैनल्स वन बाय वन नंबरिंग कर देना है आप लोगों को। नंबरिंग करने के बाद में अनस्किल्ड लेबर भी एक के बाद में एक जो है वो पैनल्स को जहां पे रिक्वायर्ड है, आप लोगों की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, तो आप लोग 1 2 3 4 5 रखने का है जहां पे वॉल पैनल्स हो गए। मैं आप लोगों को ड्राइंग भी अटैच कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये जो ड्राइंग्स है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड ये ओनली वन टाइम रिक्वायर्ड होती है, बाद में आप लोगों को फॉलो करना है सिक्वेंस, लाइक वन पैनल, टू पैनल, थर्ड पैनल, इस टाइप से आप लोगों को पैनल्स की नंबरिंग कर देना है। पैनल्स पे डेक पैनल्स की नंबरिंग करना है, वॉल पैनल्स की नंबरिंग करना है, तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को ये सब कंप्लीट वर्क करने के लिए। तो होप सो गाइस आप लोगों को माय वन शेल प्लान ड्राइंग के बारे में समझ में आ गया होगा। ये जो शेल प्लान है इसमें 4 वीडियोस है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर शेल प्लान ड्राइंग, जिसमें मैंने आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, एमईपी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट्स बताया था। सेकेंड ड्राइंग में मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है किस टाइप से ड्राइंग को रीड करते हैं, एरो नोटेशंस क्या हैं। ये जो है थर्ड ड्राइंग है जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल्ड माइवन की ड्राइंग के सेटअप्स बताया है, आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, एमईपी ड्राइंग्स स्टिल यहाँ पे बैलेंस रह गई। एंड आप लोगों को जो है माइवन की ड्राइंग्स एंड ऑल माइवन सेटअप, ये कंप्लीट डिटेल्स सेक्शंस आप लोगों को बताया। फोर्थ जो वीडियो है 8.4 एपिसोड, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर डिटेल में हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप लोग कंबाइन 4 वीडियो देखना, आप लोगों को माइवन शटरिंग की ड्राइंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टिल आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो गए, क्वेरीज होगी, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिविल कंस्ट्रक्ट चैनल पे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है, आप लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कंप्लीट वीडियो है आप लोगों के लिए, 25+ डेडिकेटेड वीडियोज है स्टार्ट फ्रॉम माइवन। आप लोग किस टाइप से परचेस करेंगे, किस टाइप से टेंडरिंग करते हैं, किस टाइप से माइवन के सेल प्लान्स बनते हैं, किस टाइप से कोटेशंस होते हैं, किस टाइप से साइट पे आप लोग माइवन रिसीव करेंगे, मॉकअप किस टाइप से होगा, चेकलिस्ट क्या फॉलो करना है, मटेरियल की लिस्ट किस टाइप से फॉलो करना है, मॉडिफिकेशन, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में सेम जो आप लोगों का माइवन है इसको सेकेंड प्रोजेक्ट में किस टाइप से यूज करते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, न्यू माइवन आप लोगों को कितने कॉस्ट में आएगा, रेट एनालिसिस, कंप्लीट ड्राइंग है। कंप्लीट कोर्स में मैंने आप लोगों को सब डिवाइड करके इंडिविजुअल वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज गेन होगा इस वीडियो से तो आप लोग एक कोर्स को कंप्लीट बाय कर सकते हैं, जिसमें मैं कंप्लीट डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड आप लोग कोई भी माइवन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी डिटेल्स में आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा एक कंप्लीट वीडियो से। एंड प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम्स आती है कंस्ट्रक्शन साइट पे माइवन में, एंड माइवन एंड कन्वेंशनल शटरिंग में क्या डिफरेंसेस है, ये सब भी मैंने डिटेल में आप लोगों को शेयर किया हुआ है वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।